घोट घोट के जो खा रहे हैं वहाँ से कद्दू बादाम छुआरे वो कहाँ जा रही ना हम आंदोलन का बारा हमने बथे लठ पीटे डाल के लठता दे टूट गई। सुबह ही जाते हैं दांती लेके अपनी भैंस का घास ले आए अपना दो रोटी पोगा खा ली। किसान वर्ग 80% से ज़्यादा अपने गांव में खेत में काम कर रहा, 20% वे लोग वहाँ पे जो है आंदोलन कर रहे हैं जिनके पास घर में अपना खुद का कोई काम नहीं है। दरअसल सत्ता लोभी पार्टी कोई भी हो वो इसमें अपना एजेंडा बना रही। एक कहावत है गाँव देहात में, पानी से पहले पाड़ नहीं बांधनी चाहिए। जब ये बिल एक बार आ जा इसे देखो भाई, किसान तो फिर भी रहेगा, अगर इसमें कुछ खामियां नजर आई आंदोलन फिर हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं आपको, प्रधानमंत्री तो बदले नहीं जाने के किसी भी सूरत में, आंदोलन चला लो 2028 तक, 30 तक, 35 तक, आप मुझे वे सारी सुविधाएं देनी शुरू कर दो, मैं नौकरी करूं। आप मुझे कहो कि तुझे खाने को ये चीज़ मिलेगी, रहने को मिलेगा, आप सब फर्स्ट क्लास तुझे खर्चा पानी मिलेगा, मैं नौकरी क्यों करूँगा? मैं भी 2028 तक वहीं लौट लूँगा जाकर। यूनियन वाले तो आलू पूरी खा रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में आलू पूरी बने थी, कहता चलो दो में यहाँ बैठेंगे धरती पर 10 मिनट में दिमाग सीख हो जाएगा इनका अफसरों का। अगले 100 साल तक बैठे रहे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा इनसे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, उनका हल से या किसी कानून से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध सिर्फ मोदी विरोध है। आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, आपने गुड़गुड़ कर लिया है, कैसा कैसा ठंडी बहुत है क्या नाम क्या है? सतेंद्र तोमर। तो कैसा लग रहा है हुक्के के साथ, कैसा आनंद आ रहा है? हाँ बस मजा आ रहा है। हंसोगे भी कुछ बोलोगे भी? नहीं नहीं बस यही बताऊंगी। तो क्या लग रहा है आंदोलन ठीक है या फिर सरकार जो कह रही है वो ठीक है? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं नहीं। क्या होना चाहिए? बस जो सरकार में कर रही है वो ठीक कर रही है। सरकार ठीक कर रही है? ठीक कर रही थी जी। बाबू जी क्या नाम है? उदयवीर सिंह जी। तो क्या लग रहा है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया है कि सरकार या तो स्टे ले ले या फिर हमको स्टे लेना पड़ेगा, पर कानून बदलने की कहीं बात नहीं आ रही है, तो कानून तो कहीं ना कहीं ठीक ही है, बस आंदोलन को देखते हुए ये चीजें सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है? नहीं तो उन्हें जब कानून ठीक लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तो इसके बारे में व्याख्या करनी चाहिए थी, कानून ठीक है इसमें कोई स्टे की बात नहीं है, तो ऐसी होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश होना चाहिए था, इन्हें यहाँ से हटाओ, एक अवरोध खड़ा हो रहा है दिल्ली के चौबीस जगह, आम लोगों का जीवन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, तो इस तरीके से। अच्छा अभी 2-3 बात और निकल गई, जो हमारे भाई साहब कह रहे थे गन्ने की पेमेंट की बात, गन्ने की स्थिति खराब ये है, अब से 8-7 साल पहले हमारे यहाँ 50 क्विंटल पर बीघा का औसत आ था, आज 90-100 का औसत आ रहा, तो बढ़ गया पैदावार, बढ़ गई रिकवरी, बढ़ गई, जहाँ 8-9-10 किलो की निकले थी वहाँ 13-14 बढ़ गई, तो इतना इसका प्रोडक्शन हो गया। अब जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारे यहाँ का 22 रुपये किलो का चीनी का रेट है, और जो ब्राज़ील वगैरह से ऑस्ट्रेलिया से जो चीनी हो चुकंदर की वो फ्री में हो जाए उनके यहाँ पैदा, कद्दू बादाम छुआरे खाने की, यहाँ इतना बड़ा गांव है आप किसी भी घर में जाके देख लो, सिवाय दवाई के लिए तो कोई छुरा पा सके बादाम, खाने के लिए नहीं पाने का किसान के यहाँ, वहाँ कहाँ जा रहे हैं खाने को? ये घोट घोट के जो खा रहे हैं वहाँ जी कद्दू बादाम छुआरे वो कहाँ जा रही है वहाँ बादाम, जो फिर हम भी वहीं जा रहे हैं, फिर बादाम खाएंगे छुआरे खाएंगे जहाँ। कुमार साहब तो लेके आए बादाम की गिरी और काजू खा के आए, तो हमें क्या करना फिर यहाँ गाँव में रहकर सुखे टिकट खाने में, हम तो बादाम छुआरे किशमिश खाएं वहाँ चल के। अगर आप चले तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट तो कह ही रहा है कि बुजुर्ग लोगों की वहाँ जरूरत नहीं है। अरे बुजुर्ग लोगों को खाने को बढ़िया मिलेगा तो वहाँ मरेंगे खा के, तो मरेंगे कम से कम कुछ। बाबू जी क्या नाम है? चंद्रपाल शर्मा। कानून के बारे में कुछ पता है कि नहीं? मुझे कोई पता नहीं। नहीं पता ना। सरकार क्या कर रही है? क्या पता सरकार क्या करे, हम तो कमा के खाते हैं। हाँ। अब पहली सरकार में भी ऐसे ही खाया, अभी भी खा रहे। कुछ फर्क लग रहा है कि मोदी योगी जो कर रहे हैं कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं? हमें नहीं पता, पता नहीं पता ना। तो जो आंदोलन चल रहा है वो कैसा है? ना हम आंदोलन का बारा हमने बथे लठ पीटे डाल के लठता दे टूट गई, बथे लठ में लगे। कहाँ गए थे लटखाने? जलियांवाले बाग में। हम तो कमा के खाते हैं, सुबह ही जाते हैं दांती लेके अपनी भैंस का घास ले आए अपना दो रोटी पोगा खा ली। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी क्या लग रहा है कि जो ये आंदोलन चल रहा है कैसे देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ये जो जानकारी आप जुटा रहे हैं ये सबसे अहम जानकारी है जी। किसान वर्ग 80% से ज़्यादा अपने गाँव में खेत में काम कर रहा, 20% वे लोग वहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं जिनके पास घर में अपना खुद का कोई काम नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा, स्वामी दयानंद जी ने कहा कि अधूरी जानकारी पूर्ण जानकारी से भी विनाशकारी होती है। बिल्कुल। और ये जो जानकारी का अभाव है बिल के बारे में आप बात कर लो किसी से, क्यों खराब बताया जा रहा? आज से 88 में महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हमने पढ़ा देखा गूगल किया, देखिए 21वीं शताब्दी है,
इसमें कोई चाहकर भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई भी आदमी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। सुबह आपकी आंख खुलेगी, पूरी दुनिया की जानकारी आपकी मुट्ठी में है। बावजूद इसके भी जो लोग इन सुविधाओं को सही से नहीं चला सकते उन्हें इनकी जानकारी नहीं है। इस बिल का महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि ये एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार हो पूरी दुनिया में, पूरे देश में। तब तो ये बिल बढ़िया था, जब अध्यादेश आया था तो उस टाइम पे भी कुछ लोगों को लगा था कि बहुत अच्छा है, किसानों के लिए सही काम किया है सरकार ने। परंतु उसके बाद अब आंदोलन शुरू हो गया तो वो भी यू टर्न मार लिया उन्होंने, यू टर्न मार लिया। अभी आप हिंदुस्तान टाइम्स में देखिए, राकेश टिकैत जी ने बयान किया था कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और पिछले लंबी चली आ रही कोई समस्या है उसका समाधान हुआ, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अब जब उन्हें ऐसा लगा कि आज के टाइम पे अब ये जो किसान लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं ये तुम्हारे साथ नहीं रहने के और वो वापस चले जाएंगे, इसलिए ये लोग अब इस चीज़ को देख रहे। दरअसल सत्ता लोभी पार्टी कोई भी हो वो इसमें अपना एजेंडा बना रही, हर तरीके से उसे गलत साबित करना चाह रही। अच्छा एक बात बताओ, आप तीन तलाक बिल मोदी जी ने बनाया, आप अपने स्तर से सोच कर बताओ, अच्छा था बढ़िया था, उसका भी विरोध हुआ, NRC आया उसका भी विरोध हुआ, तो विरोध तो होगा, हर बढ़िया चीज़ का विरोध होगा। एक बार इसे लागू करें, एक कहावत है गांव देहात में, पानी से पहले पाड़ नहीं बांधनी चाहिए। जब ये बिल एक बार आ जा इसे देखो भाई, किसान तो फिर भी रहेगा, अगर इसमें कुछ खामियां नजर आई आंदोलन फिर हो जाएगा। लेकिन ये भरमाने वाली राजनीति है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बगला जा रहा। आप एक बार इसे समझो पढ़ो, और ये जो काम आपने किया ना ये सबसे बेहतर तरीका है। अच्छा एक बात बताओ कि जिस तरीके से आंदोलन में से आवाज़ें आई, 2024 तक आंदोलन रहेगा, महीने का भी टाइम बता दे कि अप्रैल मई तक रहेगा जो सरकार बदली जाती है, तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन प्रधानमंत्री बदलो आंदोलन हो रहा है? देखिए मैं बताऊँ आपको, प्रधानमंत्री तो बदले नहीं जाने के किसी भी सूरत में, प्रधानमंत्री के साथ सारा देश है, पूरा विश्व भी उन्हीं के साथ है, वे तो बदले नहीं जाने के। आंदोलन चला लो 2028 तक, 30 तक, 35 तक, आप मुझे वे सारी सुविधाएं देनी शुरू कर दो, मैं नौकरी करूँ। आप मुझे कहो कि तुझे खाने को ये चीज़ मिलेगी, रहने को मिलेगा, आप सब फर्स्ट क्लास, तुझे खर्चा पानी मिलेगा, मैं नौकरी क्यों करूँगा? मैं अभी 2028 तक वहीं लौट लूँगा जाकर। मेन बात है वे लोग जिनके पास अपने काम धंधे नहीं है, दूसरे के झंडे ठा के उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, ऐसा चल रहा जी। नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे, कोई परेशानी नहीं। वहाँ तो कोई दिल लौटे रहो, वहाँ की दिक्कत है ये भी आपको बताया, भाई साहब ने बताया, हमारे चाचा जी है कि वहाँ काजू बादाम में अदवा तो पाकिस्तान में रखवा लो, चाहिए मुझे क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं आने की। भाई खाना पीना रहना सब वहाँ काम कमाल चल रहा। मोदी जी के लिए गाली और इमरान खान के लिए जय जयकार के नारे लग रहे हैं वहाँ पे, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इससे ज़्यादा क्या हो सके, इससे ज़्यादा क्या हो सके। और एक बात बताओ, शुरुआत में आंदोलन हुआ था, केंद्र सरकार ने यह कहा था कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं, रामलीला मैदान आपके लिए खाली करा रहे, तंबू लगा रहे, सारी चीज कर रहे, वहाँ पे आप अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करो। सरकार के पास कादू बादाम थोड़ा ना थे खिलाने के लिए, तो चीज है जी, वही तो चीज है, और बात क्या है, और कोई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़िया कानून है, कोई परेशानी नहीं है। सरकार खिलाती पूरी सब्जी, खिलाती दो दिन खाते भाग जाते, फिर MSP का लिखित में यूनियन वाले तो आलू पूरी खा रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में आलू पूरी बने थी और जेल भी कच्ची, उसमें गए भी हम कई आंदोलनों में और हर जगह मीटिंग में तो रैली में तो रहे थे। अब तो जी जमाना बदल रहा, लोगों की आमदनी बदल ली, चेहरे भी बदल लिए, नवयुवक हैं वे, पूरी खा के उन पे झिले हैं के आलू पूरी। अरे बाबू जी एक बात बताओ, महेंद्र सिंह टिकैत का व्यक्तित्व पूरी दुनिया जानती है, आप उनके आंदोलन के साथ रहे, क्या लगता है कि राकेश टिकैत में और महेंद्र सिंह टिकैत में उनकी छवि दिखाई देती है नहीं देती है? छवि तो खत्म होगी थी या तो ये बन जाएगी थोड़ी सी, इसमें रोज की जो बदले बात, अब 2024 लोग इस लोग फुलाने लोग 26 को परेड करेंगे, इसमें बन जाएगी बुझा। गोला लाठी देने की बात कर रहे हैं सरकार को, मतलब वही है जी। अरे वो तो एक साधारण व्यक्ति था, सूती कपड़े पहरे था, खद्दर के धरती पर बैठ कर जैसा आशी को आप आ रहे, हम ना कुर्सी पर बैठे थे, चाहे वो भी नु कहता चलो धूम में यहाँ बैठेंगे, धरती पर 10 मिनट में दिमाग सीख हो जाएगा इनका, अफसरों का जीव नाम थे मंत्री संतरी लोग की बात, जीव तो यन लोग ही रहे थी, ADM आ गया, DM आ गया, SDM आ गया, चाहे कोई और आ गया, कह लगे 10 मिनट में ठीक हो लेंगे धूम में बैठो ने, और वो बात मने थी।
हाँ बाबू जी, क्या लगता है कि जैसे कि वहाँ से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जा रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जय जयकार हो रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। इतने बड़े देश में इस तरह की गतिविधियाँ तो पहले से भी चलती रही, पर जब से मोदी जी आए तब से इन लोगों को ये दिखाई देने लगा कि हमारी सत्ता हमेशा के लिए समाप्त होगी और ये लोग इतने परेशान हैं किसी भी तरीके से, किन्हीं भी साधनों के द्वारा, किन्हीं भी तरीके के द्वारा मोदी जी को हटाओ, जबकि जनता मोदी जी के साथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनकी सोच सोच तक सीमित रह गई है भाई, 2028 लोग नहीं, दो अगले 100 साल तक बैठे रहे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा इनसे। ये मुट्ठी भर लोग हैं, अपने थोड़े परेशानी, अभी पैसा आ रहा बाहर से, जब से पैसा आ रहा तब तक ये लोग, हाँ हमें किस लग रहा है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा या अभी आपको क्या लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए? नहीं, ख़त्म तो हो जाएगा, ये पैसा बाहर से आ रहा है अभी उनके पास, जब तक वो पैसा है तब तक जो है ये लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे रहने की। सरकार को सख्ताई करनी चाहिए इन लोगों के साथ, ये इसी के लायक है। सरकार तो बैठ करके चर्चा करने की बात कर रही है परंतु हल निकल के सामने नहीं आ रहा है। उन्हें हल निकालना तो नहीं, उन्हें तो मोदी विरोध करना, उनका हल से या किसी कानून से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध सिर्फ मोदी विरोध है।